सुंदर सुंदर बर्तन ले लो, अच्छी डिजाइन वाले बर्तन ले लो। अरे बंटी भाई, तुम्हारे बर्तन तो बहुत सुंदर सुंदर हैं और मुझे तुम्हारे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे बर्तन एकदम डिजाइन के हैं। इसीलिए तुम मुझे एक अच्छा सा लंच बॉक्स दिखा दो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद करते हैं। अरे हाँ हरी काकी, मैं ऑर्डर देकर अच्छे अच्छे डिजाइने अपने बर्तनों में करवाता हूँ, इसीलिए तो जंगल के सभी पक्षियों को मेरी बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर तुम ही बताओ, जब बर्तनों पर अच्छे से अच्छी डिजाइन नहीं होगी तो फिर जंगल के पक्षी हमारे बर्तनों को क्यों खरीदेंगे। इसीलिए मैं खुद ऑर्डर देकर अच्छे से अच्छे डिजाइन करवाता हूँ, ताकि मेरे बर्तन ज्यादा से ज्यादा बिके और मेरा मुनाफा भी सही हो, जिससे मेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। और फिर आप तो जानती हो कि इन बर्तनों के पैसों से मेरे घर का खर्चा चलता है। ये तो तुम एकदम ठीक कहती हो बंटी, तुम्हारे बर्तन डिजाइन के साथ साथ बहुत मजबूत भी हैं और इसीलिए तुम्हारे बर्तन जंगल के सभी पक्षियों को अच्छे लगते हैं। और मैं भी हर साल की धनतेरस पर तुमसे ही बर्तन लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम अपने बर्तनों के दाम भी बहुत सस्ते रखते हो। अरे अरे तोती, अगर मैं अपने बर्तनों के दाम सस्ते नहीं रखूंगा तो कोई भी जंगल का पक्षी मुझसे बर्तन नहीं खरीदेगा, इसीलिए तो मैं अपने बर्तनों के दाम बहुत ही कम रखता हूँ, जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझसे बड़ी आसानी से बर्तन खरीद सकें। और फिर तुम तो जानती हो, हमारे जंगल में गरीब पक्षी भी बहुत हैं, इसीलिए मैं बहुत कम दाम में बेचता हूँ अपने बर्तन। अगर मैं ज्यादा दाम में अपने बर्तन बेचूंगा तो फिर जंगल के गरीब पक्षी मुझसे बर्तन नहीं खरीद पाएंगे। अरे मैं तो बातों में भूल ही गई, अब तुम जल्दी से मुझे टिफिन सेट दे दो। वो क्या है कि मेरे बच्चे स्कूल में टिफिन सेट लेकर जाते हैं, वो वाला टिफिन सेट टूट गया है, इसीलिए तुम मुझे नया टिफिन सेट दे दो। उसके बाद मेरे बच्चे उसे ही स्कूल में लेकर जाए करेंगे। हरी टोपी इतना कह रही थी कि तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है और वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी भैया तुम जल्दी से घर चलो, वो क्या है कि टुनटुनी भाभी के बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है और उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसीलिए टुनटुनी भाभी ने आपको बुलाया है। उसके बाद जल्दी जल्दी बंटी कबूतर अपने घर जाता है और घर जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। उस अंडे को देखकर बंटी कबूतर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे में एक दिन उस अंडे में से एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया निकलती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी का नाम भूरी रखूं। अरे वाह टुनटुनी, ये नाम तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आज से हम अपनी बेटी का नाम भूरी ही रखेंगे, और वैसे भी भूरी नाम तो कितना अच्छा है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम भूरी रखती है। अब भूरी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, सुनते हो जी, अब आपको और ज्यादा कमाना होगा ताकि हम अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकें और उसकी हर डिमांड को पूरा कर सकें, इसीलिए अब तुम डबल ड्यूटी करना शुरू।
एंटनी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे और उसे एकदम राजकुमारी बनाकर रखेंगे। और वैसे भी हम दूसरे पक्षियों की तरह अपनी बेटी को घर पर काम धंधा नहीं करवाएंगे, इसीलिए हम उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो फिर बड़ी होकर कुछ बन जाएगी। और मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो हमारे जंगल में एक भी डॉक्टर नहीं है। हमें इलाज करवाने के लिए शहर वाले जंगल में जाना पड़ता है। अगर हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो जंगल के सभी बच्चे उसी से अपना इलाज करवाएंगे। और अगर हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो सारे जंगल के पक्षी हमारी बहुत इज्जत करेंगे और हमें ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कल से ही डबल ड्यूटी करना शुरू कर दूंगा। मैं रात भर बर्तन बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा, जिससे हमारी बेटी पढ़ लिख तो भी जाएगी। और वैसे भी अभी तो धनतेरस और दिवाली के दिन चल रहे हैं, इसीलिए मेरे बर्तन बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। ये तो आप एकदम ठीक कहते हो, अभी तो दिवाली और धनतेरस के दिन चल रहे हैं, इसीलिए अभी तो हमारे बर्तन सही बिक रहे हैं। बस ऐसे ही भगवान की कृपा से 2-3 महीने तक हमारे बर्तन ऐसे ही बिकते रहे तो हम अपनी बेटी बूढ़ी चिड़िया का एडमिशन कोई अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। ऐसे ही अक्सर पति पत्नी अपनी बेटी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर अपने बर्तन बेच रहा था, तभी उसके पास एक शहरी चिड़िया आती है और बर्तन लेने के बाद वो चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, जी मेरा नाम टोनी चिड़िया है और आपके बर्तन तो बहुत अच्छे हैं और आपके बर्तनों पर बहुत अच्छी अच्छी डिजाइने भी कड़ी है और आप अपने बर्तनों के पैसे भी बहुत कम ले रहे हैं। अगर यही बर्तन आप मेरे शहर में बेचोगे तो आपकी बहुत अच्छी आमदनी होगी। ऐसा करो, ये लो मेरा पता और तुम इस पते को अपने पास रख लो। अगर तुम्हारा शहर आने का कभी भी मन हो तो तुम मेरे पते पर आ जाना, मैं तुम्हारे रहने की भी व्यवस्था कर दूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाम को जब बंटी कबूतर अपने घर आता है तो वो ये बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। अरे टुनटुनी, आज मेरी दुकान पर एक शहर की कस्टमर आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि मैं अपने बर्तन शहर में जाकर बेचूं, क्योंकि शहर में बर्तन बहुत ही महंगे बिकते हैं और हम अपने जंगल में तो बहुत ही सस्ते दामों में अपने बर्तन बेचते हैं। इसीलिए मेरा मन भी शहर में बर्तन बेचने का हो रहा है। अगर तुम हाँ करो तो हम सब शहर में जाकर रहने लगेंगे। और उसने मुझे अपने घर का पता भी दिया है और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं शहर जाऊं तो उसके घर में हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी। इसीलिए तुम बताओ, अगर तुम शहर जाना चाहती हो तो हम दोनों शहर चलते हैं और अपनी बेटी को भी ले चलते हैं। और वैसे भी शहर में हम बहुत ही महंगे बर्तन बेच सकेंगे, क्योंकि शहर में बहुत ही पैसे वाले अमीर पक्षी रहते हैं। अगर हम शहर में महंगे बर्तन बेचेंगे तो वो हमसे मोल भाव भी नहीं करेंगे। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पति बंटी से कहती है, अरे बंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने बर्तन शहर में बेचेंगे तो हमारी खूब बिक्री होगी और हम अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में तो इतनी हमारी बिक्री होती नहीं है और शहर में हमारी खूब बिक्री होगी और हम अपनी बेटी को भी वहीं पर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर गांव के स्कूलों में
उसके बाद बंटी कबूतर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़कर टूनी चिड़िया के साथ शादी कर लेता है। अपने पति की इस धोखे से टुनटुनी चिड़िया बुरी तरीके से टूट जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी माँ की इस हालत को देखकर बूढ़ी चिड़िया उसे समझाते हुए उससे कहती है, अरे माँ आपको क्या हुआ? अगर पिताजी हमें छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे बूढ़ी बेटा, अब मेरे जीने की इच्छा नहीं करती। तेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे माँ, वो तो अब हमें छोड़कर चले गए, अब तुम उनके बारे में सोचकर अपनी तबीयत खराब मत करो। अब हम कल से अपनी नई जिंदगी जीना शुरू करेंगे और अब तुम इन पुरानी बातों को भूल जाओ। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। तमाम परिंदे मौसम शर्मा के प्यारे में मसरूफ थे। कोई मौसम शर्मा के लिए अपना घोंसला ठीक कर रहा था तो कोई दाना जमा करने में मसरूफ था। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। साथ वाले दरख्त पर चिड़िया का दोस्त कौवा भी रहता था। कौवा बहुत अच्छा था और हर मुश्किल वक्त में चिड़िया का साथ देता था। चिड़िया और कौवे ने मिलकर मौसम शर्मा की तैयारी कर ली थी। चिड़िया का एक बच्चा बहुत शरारती था, उसका नाम टोनी था। वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था। चिड़िया हमेशा उसकी वजह से परेशान रहती थी। एक दिन सुबह जब वो सब नींद से उठते हैं तो आसमान पर काले बादल छाए हुए होते हैं। टोनी आसमान पर बादल देखकर खुश हो जाता है। अरे आज तो इतने अच्छे बादल आए हुए हैं, आज तो बारिश आएगी, मैं तो बारिश में निहाऊंगा और खूब खेलूंगा। अरे टोनी बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? सर्दियों में भी भला कोई खेलता है बारिश में? मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, बारिश में मुझे बहुत सर्दी लगती है, मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे ये बीमारी क्या होती है? सिर्फ बुखार ही तो होता है, बुखार से तो कुछ भी नहीं होता, तुम तो हो ही डरपोक। कुछ वक्त बाद बारिश शुरू हो जाती है। टोनी बारिश में नहाने के लिए जाना चाहता है लेकिन चिड़िया उसे सख्ती से मना कर देती है। बारिश की वजह से चिड़िया दाना लेने भी नहीं जा सकती और वो घर में जमा किया हुआ सारा दाना खा जाते हैं। तभी रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। उधर कौवा भी अपने घर में बैठा होता है। अरे सुबह से बारिश हो रही है, चिड़िया बहन और उसके बच्चे का कुछ पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। अरे कौवे भैया, आप यहाँ इतनी बारिश में खैर तो है? हाँ चिड़िया बहन, खैरियत है। सुबह से बारिश हो रही थी, मैं परेशान था, सोचा कि जाकर तुम लोगों को देख आऊँ। कौवे भैया, आप फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा बहन, अगर दाने की जरूरत हो तो मेरे घर से ले लेना, बारिश की वजह से दाना ढूंढने में मुश्किल होती है। अरे नहीं कौवे भैया, हमारे पास अभी दाना है। अच्छा चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना और टोनी को घर से बाहर ना जाने देना। ये कहकर कौवा चला जाता है। रात को चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो बारिश थम चुकी होती है। बारिश जरा थम चुकी है, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम घर से बाहर ना जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया चली जाती है। टोनी खुश हो जाता है, वो घर से बाहर चला जाता है। चिड़िया जब घर वापस आती है तो तब आसमान पर फिर से काले बादल छा चुके होते हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। अरे टोनी कहाँ चला गया? अम्मी उसने कहा वो खेलने के लिए जा रहा है। मैंने उसे कहा भी था कि कहीं ना जाना, मौसम खराब है। तेज बारिश शुरू हो जाती है, टोनी घर वापस नहीं आता। अब क्या करूं? इतनी बारिश में कहाँ ढूंढूं उसे? कौवे के पास जाती हूँ।
वो कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कौवा कहता है, आओ बहन उसे ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ होगा। वो दोनों बारिश में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी एक जगह उन्हें टोनी जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है। वो दोनों उसे घर ले आते हैं। उसे तेज बुखार होता है। अम्मी मुझे सर्दी लग रही है बहुत। मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर ना जाना, तुम क्यों गए? अम्मी जब बारिश होने लगी मैं घर आ रहा था, लेकिन मेरे पर गीले हो गए और मैं उड़ते उड़ते गिर गया। अम्मी मैं आइंदा नहीं जाऊंगा बारिश में, आपकी हर बात मानूंगा, बस मैं इस बार ठीक हो जाऊं। अरे टोनी बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे। कौवा टोनी के लिए दवाई लेके आता है। दो दिन तक टोनी ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए। बाकी पंछी कालू को इस तरह मेहनत से भोजन लाते देखकर बहुत खुश है। उनको देखते ही कालू कहता है, अगर मैं ऐसे ही भोजन लाता रहा तो मैं जान से जाऊंगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि रोज भोजन ला सकूं। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। टोनी चिड़िया कालू से कहती है, कालू भैया, आपके माता पिता भी तो खुद से ही भोजन लाया करते थे और हमारे माता पिता भी लाया करते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए जिस तरह से हम करते हैं। कालू के माता पिता उसके बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए कालू की परवरिश माता पिता के बगैर ठीक से न हो सकी। वो दूसरों से भोजन मांगकर गुजारा करता, लेकिन सब पंछी उसे बगैर माता पिता के देखकर उसकी गलतियों को माफ कर देते और उसे भोजन दे दिया करते थे। लेकिन अब कालू बड़ा हो चुका था, इसलिए सब पंछियों ने फैसला किया कि अब कालू को खुद से ही मेहनत करना होगी। लेकिन कालू बहुत शरारती था, वो फिर से मुफ्त के खाने की तरकीब सोच लेता है। कालू कहता है, टोनी बहन, मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं अब व्यापार करूंगा। मैं कुछ दिन मेहनत करके काफी दाना इकट्ठा करूंगा और फिर साथ के जंगल के पक्षियों को एक माह बाद एक दाने के बदले दो दाने दिया करूंगा। इस तरह नए पंछियों से इकट्ठा होने वाला दाना पुराने पक्षियों को दुगना करके देता जाऊंगा और खुद भी पेट भर के भोजन खाऊंगा। इस तरह सारे जंगल के पक्षी मेरे पास दाना जमा करवाते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। चूनी कालू की बात को गौर से सुनकर कहती है, कालू भैया, ऐसा मत करो, तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दुगना दाना कहाँ से दोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। दूसरे जंगल के पक्षी हमारे जानने वाले नहीं है और मैंने जो सुना है वो बहुत जालिम है। टोनी कालू को काफी समझाती है, लेकिन उसको टोनी की बातों को कोई असर नहीं होता। कुछ ही दिनों में कालू दिन रात मेहनत करके काफी भोजन इकट्ठा कर लेता है और फिर साथ के जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। मिट्ठू कहता है, टोनी बहन, मुझे तो डर लग रहा है कि कालू किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, इससे तो बेहतर था कि हम उसे भोजन देते रहते। टोनी कहती है, नहीं मिट्ठू भाई, हम उसे कब तक दाना देते रहेंगे? ऐसा करने से हो सकता है कि उसको कोई सबक मिल जाए। जब कालू दूसरे जंगल में कुछ पक्षियों के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं इस आग के जंगल से आया हूँ, मैंने सुना है आपके यहाँ आधा साल सूखा रहता है और दाना भी नहीं होता। हाँ ये तो सच है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारे यहाँ तो सारा साल हरा रहता है और दाना भी काफी होता है। कालू कहता है, इसीलिए तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप सब मुझे दाना देंगे जिसके बदले में आपको एक माह बाद दो दाने दूंगा। जितना दाना दोगे उसका दुगना दूंगा, क्योंकि हमारे पास वाफर मकदार में दाना मौजूद है। पहले तो पक्षियों को कालू की बात पर यकीन नहीं आता और वो एक पक्षी को कालू का घोंसला देखने और उसे आजमाने के लिए कुछ दाने देकर भेजते हैं। कालू उसे अपने जंगल में ले आता है। वो उसे अपना घोंसला भी दिखाता है और उतना दाना भी दिखाता है जो उसने जमा किया था। ये लो भाई,
एक माँ बाप दुगना दाना देने की बजाय मैं तुम्हें अभी दुगना दाना दे रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी पहले पक्षी हो जो दाना जमा करवाने आई हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाकी सब पक्षियों को एक माँ बाप ही मिलेगा। दाना लेकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और सारा माजरा दूसरे पक्षियों को बताता है। इस तरह सब पक्षी कालू की बात पर यकीन कर लेते हैं। तो कुछ ही दिनों में कालू के पास पक्षियों का रस लग जाता है। सारे पक्षी उसके पास दाना जमा करवाने आते हैं। टूनी ये सब कुछ देखकर कहती है, रोज रोज नए पक्षी आ रहे हैं, कालू का बुरा वक्त बस आने ही वाला है, लगता है इसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जिमी कबूतर कहता है, टूनी मैडम हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, कहीं ये हमें भी ना फंसा ले। हाँ कबूतर भैया आप ठीक कह रहे हो। एक महीना गुजर चुका था और अब कालू बहुत खुश था। उसके पास दाने का काफी बड़ा ढेर लग चुका था। अब सब पक्षी दुगना दाना लेने के लिए आ रहे थे। तीन दिन के अंदर अंदर दाने का सारा ढेर तकरीबन खत्म हो गया था और कोई नया पक्षी भी दाना जमा करवाने नहीं आ रहा था। कालू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी काफी पक्षी पड़े हुए हैं जिनको दोगुना दाना देना है, जबकि दाना तो खत्म होने वाला है। जब कुछ पक्षी और दाना लेने आएंगे तो वो बहुत परेशान होंगे, मैं क्या करूँगा। कुछ पक्षी दाना लेने के लिए आए तो वो इतना कम दाना देखकर वाकई बहुत परेशान हुए। एक पक्षी बोला, क्यों कालू भाई सारा दाना कहाँ ले गए हो, ये तो मेरे लिए भी नहीं पूरा होगा, अब बताओ क्या करना है, हमें हर हाल में दाना चाहिए। ये देखकर कालू और घबरा जाता है और कहता है, भाई आप मुझे एक दिन का वक्त दे, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूँगा। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हुआ है, कहाँ गया है दाना, फिर भी हम तुम्हें एक दिन का वक्त दे रहे हैं, हम तुम्हारे पास एक दिन तक दाना लेने आ जाएंगे। ये कहकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि नए पक्षी आते रहेंगे और जो दाना वो जमा करवाएंगे मैं पुराने पक्षियों को देता रहूँगा, लेकिन लगता है कि जंगल के सब पक्षी दाना जमा करवा चुके हैं, इसलिए कोई भी दाना जमा करवाने नहीं आ रहा, तो मेरा आखिरी वक्त आ गया है। टूनी बहन के पास जाता हूँ तो वही कोई हल बताएगी। टूनी बहन मुझे बचा लो, वरना सब पक्षी मुझे जान से मार डालेंगे। कालू भैया मैंने तो तुमसे पहले ही तो कहा था कि बाज आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी, अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास इतना भोजन भी नहीं कि मैं सबको दे सकूं, और वो दूसरे जंगल के पक्षी तो बहुत ज़ालिम है, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, अब तुम खुद ही इस मामले से निपट जाओ। ये सुनकर तो कौवा और भी परेशान हो गया, क्योंकि टूनी ने कभी भी उसे किसी काम से इनकार नहीं किया था, वो वहाँ से नाउम्मीद होकर चला जाता है। लेकिन टूनी को फिर भी उसका ख्याल आता है और वो फौरन मिच्छू कबूतर के पास जाती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। वो सारे भी कवे के लिए बहुत परेशान होते हैं। अगले दिन में सारे पक्षी उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और उसे अपना दाना मांग रहे होते हैं, जबकि कौवा खामोश सहमा खड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ टूनी और बाकी पक्षी खड़े होते हैं। टूनी कहती है, कालू भाई की थोड़ी मरम्मत होनी चाहिए ताकि आइंदा उन्हें पता चले कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दूसरे पक्षी कालू के मिलकर खूब पटाई करते हैं। फिर टूनी चिड़िया उनके पास जाती है और कहती है, आप ऐसा ना करो, आपको कालू से जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन ये हम सब एक साथ नहीं ले सकते, हम दिन रात एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपको दाना वापस कर देंगे, प्लीज आप इसे भी छोड़ दीजिए, गलती तो सबसे हो जाती है। जिस पर एक पक्षी कहता है, इससे गलती नहीं हुई बल्कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा सारा दाना हड़प कर गया है, आप पक्षी हमें शरीफ लगते हो, इसलिए आपके कहने पर हम इसे छोड़ देते हैं, वरना इसकी जान लेके ही रहते। टूनी सब पक्षियों का शुक्रिया अदा करती है
और वो जोड़ी के इस वादे करके आहिस्ता आहिस्ता वो सब दाना वापस कर देंगे, वहाँ से चले जाते हैं। कालू को अपने किले पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो आइंदा से ऐसा ना करने का वादा करता है। इस तरह जोड़ी एक दफा फिर उसे कई बार मौत के मुंह में जाने से बचा लेती है।